आरकेडियो ऐप। यस, एक न्यू मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करता हूँ, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एक ऐसा टॉपिक है जो इसके पहले जो टॉपिक्स थे उससे बहुत डिफरेंट है। जैसे इसके पहले हम लोग ने सॉम में मेन हम लोग का टारगेट था स्ट्रेस कैलकुलेट करने का, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेस हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, बेंडिंग स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस हो, ये मेनली कैलकुलेट करने, या टॉर्शनल शियर स्ट्रेस हो, ये मेन टारगेट था अपना। बट ये टॉपिक में हम लोग स्ट्रेस के पीछे ज़्यादा नहीं भागेंगे, ये टॉपिक में अपना मेन टारगेट रहेगा डिफ्लेक्शन एंड स्लोप कैलकुलेट करना। डिफ्लेक्शन एंड स्लोप दोनों अलग अलग न्यू कंसेप्ट है, बट दोनों निकालने का प्रोसीजर मोर और लेस सेम है। दोनों साथ में सॉल्व कर सकते हैं करके ये टॉपिक अपने पास साथ में आता है। इंट्रोडक्शन में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम समझने के लिए मैं क्या लेता हूँ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेता हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम एक एंड में हिंज सपोर्ट है और दूसरे एंड में रोलर सपोर्ट है मेरे पास, और यस इसके बीच में एक पॉइंट लोड अप्लाई करता हूँ। मेरा थोड़ा नॉलेज क्या बोलता है, अगर मैंने पॉइंट लोड अप्लाई किया यहाँ से तो ये जो बीम है उसको एक बेंड करने का एक टेंडेंसी रहेगा नीचे की तरफ। चल और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले एक कैंटिलीवर बीम लेता हूँ मैं। कैंटिलीवर बीम ऑब्वियसली एक एंड में फिक्स्ड रहेगा, दूसरे एंड में फ्री रहेगा। अगर मैंने उस पर यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया, यस ये बीम को नीचे बेंड होने का एक टेंडेंसी रहेगा, तो वो नीचे की तरफ बेंड होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर इतना भी काफ़ी नहीं है, एक ओवरहैंगिंग बीम लेता हूँ मैं। ओवरहैंगिंग बीम चाहिए तो मैं इधर हिंज सपोर्ट एंड मे बी इधर मैं करता हूँ रोलर सपोर्ट एंड यहाँ से पॉइंट लोड अप्लाई किया। अगर पॉइंट लोड अप्लाई किया, ये जो बीम है उसको ऐसा एक बेंड करने का टेंडेंसी रहेगा। तुम्हारे दिमाग में डाउट आया रहेगा कि इसको समझ कैसे रहा है कि ये ऐसे बेंड हो रहे हैं, किस तरफ बेंड होता है। अगर ये समझने का है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, वहाँ से अपने को क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि नीचे बेंड हो रहा है या ऊपर बेंड होने का टेंडेंसी है। एनीवेज, ये मेरे पास बेंडिंग मिला। अभी ये मेरा न्यू पोजीशन जो बीम का है वो एक कर्व फॉर्म कर रहा है। मेरा नया वाला बीम जो है वो एक कर्व फॉर्म कर रहा है। मेरा नया वाला बीम जो है वो एक कर्व फॉर्म कर रहा है। ये जो ब्लू में बनाया मैंने, दीज आर कॉल्ड एज इलास्टिक कर्व्स। इलास्टिक कर्व्स, अगर मैंने ये फोर्स निकाल दिया और अगर इलास्टिक रीजन में है तो ये बॉडी अपने ओरिजिनल पोजिशन में वापस जाएगा। ये न्यू पोजीशन फोर्स के वजह से। एनीवेज, डायग्राम वापस देखना। ये कर्व को अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हें एक चीज़ ये समझेगा, स्टार्टिंग में मेरा पॉइंट अपने जगह से हिला नहीं। जैसे तुम आगे देखोगे, मेरा इलास्टिक कर्व नीचे की तरफ है और कुछ टाइम के बाद छोटा छोटा होते आ रहा है। वो डायग्राम में देखना, स्टार्टिंग में कुछ डिफ्लेक्शन था ही नहीं। जैसे आगे गया, डिफ्लेक्शन का वैल्यू बढ़ते गया, स्टार्ट लास्ट में तो बहुत ही ज़्यादा है। इसमें भी देखना, पहले डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ है, डिफ्लेक्शन इज डाउनवर्ड्स, और जब भी तो और थोड़ा आगे इवेल्युएट करेगा, डिफ्लेक्शन इज अपवर्ड्स। तो ये चैप्टर में मेरा मेन टारगेट ये है कि ये जो डिफ्लेक्शन मैंने जो ग्रीन में बनाया है वो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने का। डिफ्लेक्शन मतलब क्या है, इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन के बीच तक का डिस्टेंस इज वॉट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरा बीम कितना बड़ा हुआ है, मेरा बीम कितना छोटा हुआ है, ये नहीं देख रहा हूँ मैं। मेरा टारगेट ये है कि कितना इनिशियल से फाइनल तक गया है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन। तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा, डिफ्लेक्शन ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। चाहे सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, दोनों के लिए डिफ्लेक्शन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल एग्जाम्पल देके अगर मैं बात करूँ, अगर सपोज तुम बिल्डिंग देखते हो, बिल्डिंग का ऑब्वियसली तुम्हारे पास पिलर्स रहेगा। ड्यू टू सेल्फ वेट ये पिलर अगर सपोज बेंड हो गया नीचे की तरफ, बेंड होने की वजह से क्या होगा, इधर जो फ्लोर रहेगा मेरे पास वो फ्लोर भी तुम्हारा बेंड हो जाएगा। कोई भी इंसान कोई बेंड फ्लोर में रहना प्रेफर नहीं करेगा, तो मेरे को ये डिफ्लेक्शन कर्टेन करना पड़ता है, या फिर पता रहना चाहिए डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है ताकि मैं इसको सपोर्ट दे सकूँ। और एक कंसेप्ट देता हूँ चाहिए तो डिफ्लेक्शन का, सपोज कोई गाड़ी का ही एग्जाम्पल लो, ये गाड़ी का एक व्हील है, ये गाड़ी का दूसरा व्हील है, और दोनों व्हील के बीच में तुम्हारे पास एक्सेल है। अगर सपोज ये एक्सेल कुछ रीजन के वजह से डिफ्लेक्ट हो गया,
तो ऑब्वियसली वो एक्सिल जब भी बेंड होते, तुमने काफी बार सुना रहेगा ट्रक का एक्सिल टूट गया, इट इज नॉर्मली बिकॉज ऑफ टू मच डिफ्लेक्शन वो एक्सिल टूटते हैं। तो ऐसे केस में ये डिफ्लेक्शन कंटेन करना या कर्टेन करना इंपॉर्टेंट है फॉर एनी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। तो अगर सपोज डिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने डिसाइड कर ही लिया है, तो समझना पड़ेगा डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कैसे करने का। डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो ब्लू कलर का कर्व मैंने जो बनाया है, या हम लोग उसको इलास्टिक कर्व बोलते हैं, ये ब्लू कलर का कर्व इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कंसेप्ट क्या, कोई भी चीज़ अगर कर्व के शेप में, उसका खुद का इक्वेशन रहेगा, तो मैं ये ब्लू वाला कर्व जो है उसका इक्वेशन कैलकुलेट करूंगा। एक बार इक्वेशन कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद उसके इक्वेशन के हेल्प से जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू कैलकुलेट करके देता हूँ। उसके पहले ये जो इक्वेशन है, इलास्टिक कर्व का इक्वेशन इज गिवन एज EIt²y/dx² = mx। ये मेरा इलास्टिक कर्व का इक्वेशन है। ये कर्व इक्वेशन कैसे यूज करने का वो मैं थोड़े टाइम में इंट्रोड्यूस करता हूँ, बट इक्वेशन ये है। यस, ये इक्वेशन का डेरिवेशन भी डिराइव करके दूंगा मैं आगे के वीडियोज में। तो ये आ गया मेरे पास इलास्टिक कर्व। ई स्टैंड फॉर यंग्स मॉडुलस, आई इज क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई इज वर्टिकल वाई एक्सिस फॉर मी इज वर्टिकल एक्सिस फॉर मी इज वाई, एंड एक्स एक्सिस फॉर मी इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर मी इज एक्स। ये तू बोलेगा एक्स और वाई क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है ना, जैसे तू एक्स डिरेक्शन में आगे जाएगा तेरा डिफ्लेक्शन भी बढ़ते जाता है, वैसे ही नहीं और अगर आगे गया डिफ्लेक्शन भी कम होते जाता है। तो यस, डिफ्लेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ, या फिर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो फर्स्ट ये इक्वेशन मेरे को डिफ्लेक्शन तो हेल्प करेगा। अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहेगा बहुत देर से स्लोप स्लोप बोल रहे, स्लोप है क्या? स्लोप कंसिडर करने के लिए वापस प्लीज ये कर्व के पास आओ। कर्व में कोई भी पॉइंट लो, वहां पे एक टेंजेंट बनाओ, ये बना टेंजेंट। अगर तुम चाहते हो ये पॉइंट में टेंजेंट बनाओ, ये बना टेंजेंट। तुम बोलते हो यहां पे बनाऊं, ये रहा टेंजेंट। हर एक टेंजेंट एक एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, हर एक टेंजेंट एक एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ये जो एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड एज स्लोप। स्लोप बताएगा हाउ स्टीप योर डिफ्लेक्शन इज, या कितना जल्दी डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। अगर स्लोप बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, जैसे ये एग्जाम्पल देखो, स्टार्टिंग में अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ शायद से टेंजेंट ऐसा रहेगा और उसका स्लोप ये रहा, ये पॉइंट में टेंजेंट बनाऊँ शायद से टेंजेंट ऐसा रहेगा उसका स्लोप ये पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ ये पॉइंट में टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगा और उसका स्लोप ये। तुम्हें ये दिखेगा जैसे आगे जाता है स्लोप का वैल्यू भी बढ़ते जाता है। तो स्लोप बढ़ता है इसका मतलब डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए स्लोप और डिफ्लेक्शन ये चैप्टर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हेल्प करता है मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन, और ये इक्वेशन है। तो अगले वीडियो में फॉर्मूलाज डिस्कस करता हूँ, और तुम्हारे पास क्या क्या एंड कंडीशंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।